Hi guys! वेलकम आई एम प्रिया सो गाइज टुडे आई एम हेर विद ए न्यू वीडियो सो टाइटल देखकर आपको लग रहा होगा ना कि मैं दिल्ली कहाँ से पहुँच गई मैंने दिल्ली से कहाँ शॉपिंग कर ली सो गाइज रिसेंटली आई शिफ्ट टू भुवनेश्वर एज आई टोल इन माई प्रीवियस वीडियो ऑल्सो सो एक्चुअली पहले मैं दिल्ली में ही रहती थी मैंने दिल्ली में काफ़ी टाइम स्पेंड किया है सो so मैं मैंने दिल्ली से बहुत सारी शॉपिंग करी है सो आई थॉट कि मैं आप लोगों के लिए विंटर हॉल लेकर के आती हूँ दिल्ली से दिल्ली का मतलब तो ये जो शॉपिंग है ना ये मैंने सेवनटी में एटीन में नाइनटीन में मैंने दिल्ली से करी थी जो मैं आप आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ सो गाइज वीडियो वीडियो एंड तो जरूर देखना वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना सो so, जिनको जिनको डेली से शॉपिंग करना अच्छा लगता है दिल्ली से अगर आप दिल्ली से बिलोंग करते हो या फिर आप कहीं से भी बिलोंग बिलोंग करते हो किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो बट आपको दिल्ली की शॉपिंग देखना तो अच्छा लगता होगा ना सो आई होप आप लोगों के लिए ये वीडियो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग हो थोड़ी सी हेल्पफुल हो कि दिल्ली में पता है जितने मार्केट्स होते हैं ना वहाँ पे बार्गेनिंग कैसे करते हैं बार्गेनिंग स्किल आपकी कैसी होनी चाहिए सो सारी चीजें मैं आपके साथ वीडियो में शेयर करूँगी आगे सो इसीलिए मैं बोल रही हूँ वीडियो को इसके बिल्कुल मत करना वीडियो को एंड तक देखना और गाइज अगर अभी तक आपने गिव अवे में पार्टिसिपेट नहीं किया है तो जाकर जल्दी जल्दी पार्टिसपेट कर लो गिव अवे के रूल्स मैंने आपको सारे बता दिए हैं आपको क्या क्या रूल्स फॉलो करने हैं लिंक मैं आई बटन पर दे दूंगी उस वीडियो का और जो गिव अवे का अनाउंसमेंट है वो मैं जनवरी में करने वाली हूँ पूरे एक दो नहीं पूरे चार विनर्स होने वाले हैं सो और अभी तक आपने गिव अवे में पार्टिसिपेट नहीं किया जाकर जल्दी जल्दी पार्टिसिपेट कर लो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी वीडियो का आप जाके देख लेना सो विदाउट एनी फर्दर डिस्कशन लेट्स गेट स्टार्ट मार्केट से लिया किया है सो गाइस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं ये जो शॉपिंग है ना वो मैंने जनपद मार्केट से किया है जनपद मार्केट दिल्ली में ये अगर आप दिल्ली से बिलोंग करते हो तो आप अच्छे से आपको पता होगा यू नो वेरी वेल सो अगर आप दिल्ली से बिलोंग नहीं करते किसी अदर स्टेट से बिलोंग करते हो तो मैं आपको बता देती हूँ जनपद मार्केट जो है ना वो आपका जो कनाट प्लेस है ना डेली का जो सेंट्रल है ना कनाट प्लेस वहाँ पे ही ये मा, ये मार्केट है आप पालिका बाजार जानते हो ना वहीं के पास में ही है जनपद मार्केट बहुत अच्छा मार्केट है लोकल मार्केट है अगर आपको स्ट्रीट शॉपिंग करना अच्छा लगता है तो आप वहाँ पे जाके बाय कर सकते हो अगर आप अभी डेली में हो ना नहीं गए हो तो जाके जरूर पे देखना सो so, मैं बात करती हूँ पहले जैकेट की जो मैंने वहाँ से बाई किया है गाइस ये जो जैकेट है ये मैंने 2015 में लिया था यस yes, मैं काफ़ी टाइम से डेली में हूँ मैंने आपको बताया ना तो ये वाला जो जैकेट है ना मैं टू में मैंने लिया था सो so, गाइज ये है फर्स्ट जैकेट जो मैंने जनपद से लिया है एक्चुअली ये थोड़ा सा ना मैंने जस्ट अभी निकाला है क्योंकि यहाँ पर सर्दियाँ पड़ती नहीं हैं तो थोड़ा सा यार ये यू नो इसकी क्रीज खराब हो गई है मैंने आयरन नहीं किया है तो प्लीज़ इग्नोर दैट क्योंकि यहाँ पे सर्दियाँ पड़ती नहीं है उतनी ज़्यादा तो आई डोंट आई डोंट थिंक सो कि मुझे यहाँ पे ये यह यूज़ होगा भी मेरा इस साल ये सो ये है फर्स्ट जैकेट ये ग्रीन कलर में है पैरेट ग्रीन थोड़ा सा डस्टी सा ग्रीन नहीं होता है जैसे आप मॉस ग्रीन काइंड ऑफ कलर जिसे बोलते हैं मॉस ग्रीन वैसा सा ये कलर है ये हुडी जैकेट है और पहले मैं आपको दिखा देती हूँ फिर मैं इसका प्राइस आपको बताती हूँ सो गाइज ये जो जैकेट है ना ये एक्चुअली मेरा फ़र्स्ट जैकेट है डेली से जो मैंने लिया था मेरा डेली का फर्स्ट जैकेट है इस टाइप से है इसमें नीचे पॉकेट है ऊपर भी पॉकेट है सो so या yeah, यहाँ पे भी दोनों साइड पॉकेट हैं और नीचे भी इस टाइप से पूरा पॉकेट दोनों साइड पॉकेट दिया हुआ है और ये इसकी स्लीवस हैं है, है ना स्लीवस पे इस टाइप की डिटेलिंग है एंड हुडी है और जिप लॉक तो है साथ ही साथ ना चिटचैट वाला जो ये लॉक होता है ना ये वाला लॉक भी इसमें लगाया हुआ है सो so गाइज़ ये है मेरी फर्स्ट जैकेट एक्चुअली डेली से मेरी शॉपिंग का ये पहला प्रोडक्ट है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये है इसका बैग इसको गाइज मैं सच बताऊँ ना मैंने टू में लिया था 14 या फिफ्टीन या 14 या 15 में लिया था 14 में लिया था आई थिंक और इस जैकेट को ना इतना मैंने पहना है ना दिल्ली की सर्दी तो आप जानते ही हो मैंने आ, सच बताऊं तो मैं 2014 से मैं इसे हर सर्दी में बहुत ही अच्छे से पहन रही मैंने अपने मैं ऑफिस में इसको इतनी बार पहना हुआ है लोकल मैं कहीं भी जा रही हूँ मैंने मतलब बहुत अच्छे से यूज़ किया है मैं इसको अब बता नहीं सकती हूँ और अब मैं बता नहीं सकती हूँ आप खुद समझ सकते हो ना इसकी हालत भी थोड़ी सी देख करके ये कॉटन मटेरियल में बहुत ही सॉफ्ट है और अंदर से पता क्या है मैं आपको दिखाई देती हूँ अंदर से कैसा है और गैस पता है मैं जब इसे लेने गई थी ना तो आई वॉज़ न्यू इन डेली सी अंदर से इस टाइप से है कोई ब्रांड का टैग नहीं लगा हुआ है क्योंकि वहाँ पे ऐसे कोई ब्रांड की चीज़ें आपको नहीं मिलती है लोकल स्ट्रीट शॉपिंग में स्ट्रीट मार्केट में अंदर से बहुत ही सॉफ्ट है एंड ये मेरी फर्स्ट बाय है मैंने आपको बताया ना जब आ, ये जो जैकेट है ये आ, स्टार्टिंग में मैं बार्गेनिंग मुझे आता नहीं था तो जब मैं मैंने शॉप पे देखा मैंने ना तो मुझे लगा कि मुझे एक जैकेट लेना है एंड ये, ये कलर मुझे बहुत प्यारा लगा था थोड़ा सा मॉस्क्रीन कलर है तो मैंने उनसे भैया से इसका प्राइस पूछा उन्होंने मुझे कोट किया था एलेवन हंड्रेड रुपीज़ उन्होंने बोला ये ग्यारह का जैकेट है और पता है बहुत अच्छे से उन्होंने लगा रखा था हैंगर में कर करके बहुत अच्छे से मतलब कि ऐसा कि लग रहा था वाकई में यार ये थोड़ा सा ब्रांडेड पीस है या डिफरेंट पीस है तो उन्होंने अलग से लगा रखा है ये जो जैकेट है उन्होंने 1100 रुपए कोट किया था देन आई थॉट कि नहीं यार 1100 तो मैं कहीं अच्छी जगह से ले सकती हूँ मतलब कि मैं किसी मॉल से ले सकती हूं किसी ब्रांड का ले सकती हूं तो मैं 1100 क्यों इन्वेस्ट करूं देन आई थॉट उसमें क्योंकि मेरा बजट नहीं था मुझे बार्गेनिंग नहीं आती थी मेरा बजट नहीं था तो मैंने उनसे बोला नहीं भैया इतना मेरा बजट नहीं है मैं नहीं ले सकती हूँ तो उन्होंने बोला ठीक है ठीक है मैडम अब कितने का मतलब आपको लेना है तो मैंने कहा कि मुझे ये जैकेट पसंद तो है बट इतना मेरा बजट नहीं है मैं नहीं ले सकती हूँ तो उन्होंने कहा ठीक है आप थोड़ा सा कम कर देंगे डिस्काउंट प्राइस पर कर देंगे आप इतने का ले लो इतने का ले लो जब मैंने देखा कि सामने वाला इंटरेस्ट दिखा रहा है ना कि मैं इसे बाय करूँ देन मैं थोड़ा सा मैंने सोचा चलो ठीक है मैं भी देखती हूँ एज बार्गिन करके मैंने फर्स्ट टाइम वाला बार्गिन किया था तो मैंने ये वाला जैकेट ना आप बिलीव नहीं करोगे मैंने 350 का लिया था यस ये उस टाइम पे अभी तो आपको और भी चीप प्राइस में वहाँ मिल जाएगा अभी तो बहुत सारी वैरायटी है मैं 2014 तो की बात कर रही हूँ उन्होंने ग्यारह सौ रुपये कोट किया था और मुझे थ्री फिफ्टी में दिया था मैंने थ्री फिफ्टी बोला मैंने लास्ट थ्री फिफ्टी मुझे लेना है तो उन्होंने दे दिया था मतलब ये जैकेट लेके मैं बहुत ही खुश हुई थी मतलब ये जैकेट से एक तो मुझे ये कलर बहुत पसंद था डिज़ाइन मुझे बहुत अच्छी लग रही थी मैंने जैकेट वहाँ से जो ली थी सेकेंड चीज़ मुझे ये खुशी थी कि यार मैंने 1100 की जैकेट साढ़े तीन में ले ली वाह इट्स अ बेस्ट स्टील फॉर मी तो मैंने सबको ही बताया था मम्मी को फ़ोन करके सबको कि मैंने आज 1100 की जैकेट 350 में ली है सो ये है मेरी फर्स्ट जैकेट है ना तो आप बताना कि आपको कैसा लगा और मैं इसे बहुत टाइम यूज़ कर रही हूँ अभी तो मैं सोच रही हूँ मैं इसे रख देती हूँ उसके साथ में बेल्ट भी मिला हुआ था मैं आपको दिखाती हूँ सो गाइज ये है फर्स्ट जैकेट जो मैंने डेली से लिया था जनपद मार्केट से ओके okay, सो so, ये जो सारे प्रोडक्ट्स मैं आपको दिखा रही हूँ ना ये मैंने सारे जनपद मार्केट से ही लिया है तो क्योंकि स्टार्टिंग में मुझे जनपद मार्केट बहुत अच्छा लगता था तब मैं सरोजनी के बारे में उतना नहीं जानती थी आई वॉज नॉट अवेयर अबाउट द सरोजनी मार्केट सो so मुझे जनपद मार्केट ही पता था और वहाँ से मैंने बहुत सारी शॉपिंग करी थी काफ़ी चीज़ें मैंने यू नो you know, डिस्कार्ड कर दिया था क्योंकि मैंने यू you नो know, थोड़ी सी क्वालिटी उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी तो एक दो बार पहनने के बाद थोड़ा सा उनका कलर डिसकलर या फिर थ्रेड वगैरह की प्रॉब्लम हो गई थी तो मैंने उन्हें डिस्कार्ड कर दिया था जो जो चीज़ें मुझे मैं लॉन्ग टाइम से यूज़ कर रही हूँ और मुझे मेरा पर्सनली फेवरेट है वो मैंने अभी तक रखा हुआ है और सो सेकेंड जो जैकेट है वो मैं आपको दिखाती हूँ सेकेंड जो जैकेट है वो भी आ, वो है ये सी ये कलर एग्जैक्टली exactly मुझे नहीं पता यार जो ग्रीन और फिरोज़ी कलर का मिक्स का कलर होता है ना जिसे ये टर्किश ग्रीन टर्किश ब्लू कलर बोलते हैं एग्जैक्टली ग्रीन नहीं एग्जैक्टली ब्लू नहीं है बट मुझे नहीं पता क्या कलर है बट मुझे ना पर्सनली ये कलर मुझे भी मुझे बहुत अच्छा लगा था इसी कलर की वजह से ही मैंने इसे बाय किया था जब पता है जब मेरी ये फर्स्ट जैकेट वाली जो डील थी ना मुझे बेस्ट डील मिली ना देन मैंने वहाँ पे बार्गेनिंग करना अच्छे से स्टार्ट किया और पता है मुझे चीज़ें बहुत ही अच्छी प्राइस पे मिल जाती थी वहाँ पे सो so, अगर आप भी डेली से बिलोंग करते हो तो तब तो आप जानते ही हो गए यार वहाँ पे यू नो सभी जानते हैं कि यहाँ पे बार्गेनिंग बहुत करनी पड़ती है और अगर आप डेली से बिलोंग नहीं करते हो बट आपको डेली जा रहे हो या फिर आप डेली में हो ना तो अगर आप जाना ना जनपद मार्केट में तो वहाँ पे बार्गेनिंग बहुत अच्छे से करना सो so, ये है सेकंड जैकेट ये थोड़ा सा डिफरेंट है उस वाले से अगर आप समझ पा रहे हो इसमें पूरी ये थोड़ी सी ना लॉन्ग है जैसे कि आपकी थाई एरिया को भी कवर कर लेती है ये तो अगर आप ये ना कोई ड्रेसेस वगैरह पहनना चाहते हो या फिर ऐसा कुछ या फिर साड़ी पे आप पहनना चाहते हो तो मैं इसे एक्चुअली साड़ी पे भी पहनती हूँ जीन्स पे भी पहनती हूँ सूट पे कुर्ती पे हर चीज़ पे पहनती हूँ थोड़ा सा ये लॉन्ग है ना तो आपके थाई एरिया को हिप एरिया को कवर कर लेता है और थोड़ी सी सर्दी से भी आपको नो बचा के रखता है तो इसके अंदर कुछ पहनने की जरूरत नहीं है ये बहुत ही अच्छे इसके इसका मटेरियल क्वालिटी बहुत अच्छी है मैं आपको पहले दिखा देती हूँ कितना लॉन्ग है ये यहाँ से पता आप इसे हाइनिक भी बना सकते हो इसमें साथ में ना डोरी दी हुई है बहुत अच्छी क्वालिटी मुझे लगी इसमें बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताती हूँ ये है इसका फ्रंट सी यहाँ पर ये पूरा हाइनिंग भी बन जाता है इसमें डोरी दी हुई है आप इसे हाइनिंग बना सकते हो और पूरी ज़िप है साथ ही साथ ना बटन्स दिए हुए हैं सी इस तरीके से जिप के साथ साथ ना यहाँ पे बटन्स दिए हुए हैं कि आप जिप बंद करने के बाद ना यहाँ पे आप ये बटन से भी इसे अच्छे से बंद कर लो पैक कर लो अपने आप को सर्दी के लिए मतलब बहुत मैंने बहुत टाइम यूज़ किया यार बहुत अच्छे से यूज़ किया जिसे कहते हैं ना कि पैसा वसूल मैंने इसे यूज़ किया है और मैं इसके प्राइस अगर आपको बताऊँगी ना बिलीव नहीं करोगे आप तो प्राइस मैं बाद में बताती हूँ पहले मैं आपको दिखाई देती हूँ कि कैसा ये लगता है सो इसमें जो पॉकेट है वो इस टाइप से है साइड में यहाँ पर है ना दोनों साइड में इस टाइप से पॉकेट है बेल्ट दिया हुआ है और डिज़ाइन कलर कपड़ा इतना सॉफ्ट है ना कॉटन वाला मटेरियल है इसकी स्लीव्स पे सी यहाँ पर भी ये बटन की डिटेलिंग है स्लीव्स इसकी इस टाइप से है पूरी और यहाँ पे भी बटन की डिटेलिंग दी हुई है सी इस तरीके से और ये इसका फ्रंट ये दोनों इसकी स्लीव्स हैं बैक भी मैं आपको दिखा देती हूँ बैक इस तरीके से एज़ इट इज़ पूरा प्लेन और नीचे वही डिटेलिंग है नॉट के लिए जो डोरी इन्होंने बेल्ट दी हुई है वो है राइट और गाइस ये इसके आयरन पे मत जाना यार क्योंकि मैं ना सच बताऊँ तो यहाँ पे ना मैं लास्ट ईयर नागपुर में थी वहाँ पे भी बिल्कुल सर्दी नहीं पड़ रही थी तो मैंने इसे यूज़ नहीं किया है दो साल से तो मैं एज इट इज़ ही मैंने इसे दो साल से नहीं मतलब एक साल से मैंने यूज़ नहीं किया है दिल्ली में थी तो दिल्ली में मैंने बहुत अच्छे से इसको यूज़ किया है यार बहुत अच्छे से मैंने इसे मशीन वॉश किया है अच्छे से इसको पैसा वसूल यूज़ करना तो मैं इसका इनर पार्ट आपको दिखा देती हूँ सी कितना फ्रिक्वेंट इसका बहुत ही ईजी सा इसका जेप है तुरंत ही ओपन हो गया और इसका इनर पार्ट भी इस तरीके से है बहुत ही सॉफ्ट एंड कोजी है बहुत ही मोटा है है ना कि आपकी सर्दी में ना कुछ भी ना पहनो सिर्फ ये मैं पहन लेती हूँ तो बहुत अच्छे से कवर कर लेता है कपड़ा आप देख के समझ पा रहे होंगे ये कॉटन जो होता नहीं कॉटन मटेरियल वाला होता है अंदर से ऐसा सा इस टाइप का है एंड गाइस इसकी प्राइस की अगर मैं बात करूं तो ये भी उन्होंने भैया ने मुझे नाइन हंड्रेड रुपीज़ कोट किया था इस जैकेट के लिए मैंने सेम टाइम पे नहीं लिया था जब मैंने वो ग्रीन वाला जैकेट लिया था मैंने डिफ मतलब किसी और टाइम पे लिया था ये उसके बाद ही लिया था इसको पहले मैंने मेरा फर्स्ट जो बाय था वो वही था डेली से जैकेट में विंटर वेयर में सेकेंड मैंने ये वाला बाय किया था ये उन्होंने मुझे नाइन हंड्रेड रुपीज़ बताया था ठीक है उन्होंने इतनी सारी क्वालिटीज इसकी बता दी मैम ये ऐसा है वैसा है है ना तो मैंने कहा ठीक है सब कुछ ठीक है बट इतनी प्राइस में मैंने नहीं कर सकती अफोर्ड है, है ना तो मैंने उसे उनसे कोट किया था इसके लिए थ्री हंड्रेड तो उन्होंने पहले फाइव बोला सिक्स बोला देन मैंने इसे थ्री में बाई किया था मतलब बेस्ट डील है ना आपको नहीं लग रहा है कि ये बेस्ट डील है आ, क्योंकि आप कहीं से शोरूम में जाते हो कहीं पे भी लोकल स्ट्रीट शॉपिंग के लिए जाते हो ना मार्केट में ना वहाँ पे भी आपको इतना डिस्काउंटेड प्राइस पे नहीं मिलता है जितना कि आपको दिल्ली में ना मुझे ना जनपद मार्केट से मिला था सो ये है मेरा सेकंड जैकेट जो आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा सो कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको मेरा जो जैकेट कलेक्शन है कैसा लगा दिल्ली की मेरी शॉपिंग कैसे लगी और अगर इन केस मैं दिल्ली जाऊंगी ना तो मैं आपके साथ ना ये सारे जो मार्केट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना मैं सारे आप एक्सप्लोर करूँगी आप लोगों के साथ आपको आप लोगों को भी दिखाऊँगी कि कहाँ कहाँ से मैं शॉपिंग प्रेफ़र करती थी कहाँ कहाँ कौन सी मेरी फेवरेट जगहें थी जहाँ पे मैं शॉपिंग करना प्रेफर करती थी दिल्ली में क्योंकि ये शोरूम से यू नो आप कहीं भी ले सकते हो जैसे कि आपको अगर किसी ब्रांड की जी आपको पैंटालून से लेना अच्छा लगता है आपको रिलायंस से लेना अच्छा लगता है रिलायंस हुआ पेंटा हुआ या फिर बिग बाज़ार कहीं से भी आपको लेना अच्छा लगता हो ये सारे तो आपको हर जगह अवेलेबल होते हैं तो आपको यू नो कहीं ये नहीं लगता उस चीज़ों को मिस नहीं करते हो ना कि यार वो वाली मार्केट में ना वो 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 चीज़ें ऐसी मिलती थी वैसी मिलती थी क्योंकि वो ब्रांड की चीज़ें हैं तो आपको ब्रांड की चीज़ें हर सिटी में मिल जाती हैं लेकिन जो लोकल स्ट्रीट शॉपिंग होती है ना उनका मज़ा ही अलग होता है मतलब आपको भी ऐसा लगता है तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट बताना मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा लगता है मैं पता डेली ना स्पेशली इसीलिए मिस करती हूँ कि मुझे वहाँ से शॉपिंग करना बहुत अच्छा लगता था मतलब महीने में एक बार तो मैं जरूर जाती थी वहाँ पे शॉपिंग करने सो so, ये है मेरा सेकेंड जैकेट एंड थर्ड जो जैकेट है कैस वो जैकेट नहीं है वो कोट काइंड ऑफ है कोट टाइप का है ये मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा था एंड प्लीज़ uh, आप जज मत करना कि सारे प्राइस अराउंड सेम ही है मतलब इसलिए मुझे जज मत करना क्योंकि वहाँ पे ना जो प्राइस है बहुत ही प्राइसी वो बताते हैं बट मुझे जो लगता है कि शायद से ये इस प्राइस में ही इसकी जो क्वालिटी के हिसाब से इस प्राइस में मुझे लेना चाहिए तो मैं वही प्राइस कोट करती हूँ तो मुझे उस प्राइस में मिल जाता है सो जो पहले वाला जैकेट मैंने को बताया थ्री का मैंने लिया था सेकेंड वाला मैंने थ्री फिफ्टी का लिया था हाँ थ्री हंड्रेड का लिया था थ्री हंड्रेड का लिया था सेकेंड वाला मैंने थर्ड जो मेरा कोट है वो है ये ब्लैक कलर का कोट सी है ना प्यारा और ये भी मुझे थ्री फिफ्टी का मिला था उन्होंने सेवन फिफ्टी कोट किया था बट मैंने डिस्काउंट करवा के एक्चुअली मैं ना मैंने ना इसका रेट लगवाया था टू फिफ्टी या थ्री हंड्रेड के आसपास बट उन्होंने नहीं किया कम तो मैंने कहा चलो ठीक है मैं थ्री फिफ्टी से ज़्यादा नहीं दूंगी बट थ्री फिफ्टी में मुझे वर्थ इट लगा था इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है यार ये मैंने टू थाउजेंड फोटीन या फिफ्टी फिफ्टीन में लिया था आई थिंक या फिफ्टीन में लिया था तब से मैंने इसे साड़ी पर स्पेशली बहुत यूज़ किया है मैंने इसे सूट पे जा और यू you नो know, जीन्स वगैरह पे बहुत अच्छे से यूज़ किया है अगर इन सारी पिक्चर्स फोटो मतलब इन सारे जो प्रोडक्ट के साथ मुझे फोटोज़ मिलेगी तो मैं साइड में अटैच कर दूँगी वीडियो के साथ साथ आप देखते जाना और इसकी भी क्वालिटी बहुत अच्छी है सी इस तरीके से ये जैकेट है ये कोट काइंड ऑफ है इसका जो नेक मुझे बहुत प्यारा लगा ना ही ये हाई नेक है ना ही ये आपका डीप नेक है सी इस तरीके से इसका नेक है और सिर्फ यहाँ पे तीन बटन्स दिए हुए हैं लेट मी शो यू यहाँ पे ना सिर्फ तीन बटन दिए हुए हैं इस तरीके से और पूरा नीचे से ओपन ऐसा स्लिट काइंड ऑफ नहीं होता है ऊपर से बटन है बाकी पूरा ओपन है सी इस तरीके से है ये जैकेट मतलब कोट और इसमें जो पॉकेट है वो साइड में दिया हुआ है अगर आप देख पा रहे हो सी दोनों साइड में मैंने इसे अपने ऑफिस में ना बहुत टाइम यूज़ किया है यार मतलब कि थोड़ा सा ना ये ऑफिस का लुक भी दे रहा था प्रोफेशनल काइंड ऑफ़ यू नो थोड़ा सा फॉर्मल काइंड ऑफ आप इस मैंने शर्ट पे बहुत स्टाइल किया हुआ है बहुत सारे शर्ट्स पर स्टाइल किया हुआ है और मैं इसे ऑफिस में बहुत मैं पहन के जाती थी सो इसका जो स्लीव है वो इस टाइप से है स्लीव से भी ये बटन लगा हुआ है सी इस तरीके से और ये है इसका दूसरा स्लीव फ्रंट मैंने आपको दिखाई दिया ये पूरा एज इट इज़ ही है ये भी मुझे 350 का मिला था गाइस और सो ये है इसका बैक बैक में भी एक बटन की डिटेलिंग है पूरा ऐसा सा है सो so, ये जो कोट है ना ये पर्सनली मेरा फेवरेट है वैसे आप सोच रहे हो ना मैंने इतने टाइम पुराने जैकेट स्वर्टर रखे हुए आज भी मैंने इनमें से मैंने बताया ना मैंने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कार्ड कर दी हैं लेकिन जो मेरी पर्सनली फेवरेट चीज़ें हैं ना जो काफ़ी पुरानी हैं बट मुझे पर्सनली अभी तक मुझे पहनना बहुत अच्छा लगता है मैंने वही अपने पास रखा है इसकी भी क्वालिटी मैं सच बताऊँ मैंने इसे इतना वॉश किया है ना उसके बाद भी इसकी क्वालिटी टस से मस नहीं हुई है आप देख सकते हो मैं आपको अगर पास से दिखाऊँ अभी ये आयरन नहीं है तो थोड़ा सा आपको इसलिए लग रहा होगा बाकी इसकी क्वालिटी बहुत ही बहुत ही अच्छी है सो so, ये है थर्ड कोट जो मैंने जनपद मार्केट से लिया था डेली से लिया था सो या एंड गाइस फोर्थ एक और प्रोडक्ट है मेरे पास वो एक न्यू टॉप काइंड ऑफ स्वेटर काइंड ऑफ़ टॉप है जो मैंने जनपद मार्केट से ही लिया था ये मैंने सिर्फ 150 का लिया था मैं आपको दिखाती हूँ सी ये ब्लैक एंड व्हाइट में स्ट्राइप वाले ऐसे जो वो नहीं होते टॉप होते हैं जिन्हें आप कार्डिगन्स भी बोलते हो बट ये कार्डिगन में ऐसे कार्डिगन में इसलिए का इंक्लूड नहीं करूँगी क्योंकि ना ये इसका कपड़ा बहुत ही लाइट वाला है जो वोलन होता है बट जो टॉप काइंड ऑफ नहीं होता है वैसा सा कपड़ा है मैं अगर आपको पास से दिखाऊँ तो सी ये वैसा सा कपड़ा है बहुत ही सॉफ्ट है लेकिन बहुत ही लाइट है मैं ज़्यादा सर्दियों में नहीं यूज़ करती हूँ एंड uh, इस ब्रांड का कुछ नाम लिखा हो क्योंकि वहाँ पे ना एक्सपोर्ट की चीज़ें मिलती हैं जैसे बाहर जो अदर uh, कंट्रीज़ के एक्सपोर्ट की चीज़ें आती हैं ना जो एक्सपोर्ट में रिजेक्ट हो जाता है वो प्रोडक्ट्स वहाँ पे मिलते हैं इसलिए वहाँ पे ना क्वालिटी अच्छी होती है बट उनके प्राइस ना आपके ऊपर डिपेंड करता है आप बार्गिन कर लो तो रिजनेबल प्राइस मिल जाता है बाकी ऐसा कुछ नहीं होता कि आपको वहाँ पे यूज़ प्रोडक्ट मिलते हैं या फिर आप कह सकते हो कि उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है सारे अच्छे अच्छे ब्रांड के होते हैं जैसे कि ये वाला जो प्रोडक्ट है ना एम एन को एम एन को कोई ब्रांड है अगर ऐसा आप सर्च करोगे ना तो गूगल पे तो आपको पता चल जाएगा किसी अदर कंट्री का ये ब्रांड होगा जो कि हमारे इंडिया में नहीं होता है सो so, या yeah. तो ये इसकी स्लीव स्लीप इस टाइप से है ये मैंने 150 का लिया था मुझे अच्छा लग रहा था इसकी स्लीव्स पूरी नहीं है थ्री फोर्थ स्लीव है इसकी मैंने बताया ना ये आ, देखने में तो कार्डिगन टाइप का है काइंड ऑफ छोटे छोटे यहाँ पे बो लगे हुए हैं छोटे छोटे अगर आप देख पा रहे हो साइड में है ना और स्लीव्स इसकी इतनी है पीछे इसका प्लेन ही है ब्लैक इसका जो है पूरा प्लेन है अब आ, आपको इस पर हल्के फुल्के दाग भी दिख रहे होंगे क्योंकि मैंने इसे अभी जस्ट मैंने यूज़ किया है कल है ना तो हल्के से इसमें दाग लग गए हैं मुझे इसे वॉश करना है तो आ, मैं एक्चुअली शेयर कर रही थी आपके साथ ये डेली की शॉपिंग का हॉल तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर देती हूँ तो ये है लास्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द जनपद मार्केट है ना ये मैंने फिफ्टी का लिया था मैंने आपको बताया ना वन फिफ्टी का लिया था और पता है यार इतनी बार मैंने इन चीज़ों को यूज़ किया है ना अच्छे से यूज़ किया है ये नहीं किया यार मैंने इसे वॉश नहीं करना मैंने इसे आ, मशीन वॉश नहीं करना मैंने इसे बहुत संभाल के रखना ऐसा कुछ भी नहीं मैंने बहुत अच्छे से नॉर्मल आप डेली उसके कपड़े यूज़ करते हो ना मैंने वैसे ही यूज़ किया है और इनकी क्वालिटी यार सच में बताऊँ अमेजिंग है, बता। है। इट मेरे लिए सारे प्रोडक्ट ना मेरे लिए इट थे जो भी मैंने दिल्ली से शॉपिंग करी है और मैं आप लोगों को भी रिकमेंड करूंगी अगर आप दिल्ली कभी विजिट करना ना तो ये जनपद मार्केट आप जरूर विजिट करना वहाँ पे ना आपको बहुत ही अमेजिंग 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 प्रोडक्ट्स वहाँ पे मिलेंगे मतलब ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स ना डिज़ाइनर पीसेस ना जो कि आप मॉल्स वगैरह में देखोगे ब्रांड के देखोगे बट वहाँ पर आपको बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में मिल जाता है और मैं अभी जो बात कर रही हूँ जब मैंने फोर्टीन ने फिफ्टीन में लिया था ये सारी जो जैकेट्स मैंने कहा शेयर करे है ना उस टाइम पर वहाँ पर बार्गेनिंग बहुत अच्छे से होती थी अभी का जो टाइम है ना मैं जब लास्ट ईयर मैं नागपुर शिफ्ट होने से पहले जब मैं गई थी ना जनपद मार्केट पे तो वहाँ पे ना अब जो है ना चीज़ें ना फिक्स प्राइस में ज्यादा मिलती हैं वहाँ पे बार्गेनिंग बहुत ही कम हो गई है क्योंकि वहाँ पे जो चीज़ें हैं ना वो इतनी वर्थइट होती हैं डिजाइनर पीसेस होते हैं सारे अगर मैं इन फ्यूचर जब भी मैं डेली जाऊँगी ना मैं आपके साथ जरूर एक्सप्लोर करूँगी जनपद मार्केट और आई होप आप लोगों को पसंद आएगा सो so गाइज़ ये था मेरा विंटर शॉपिंग हॉल दिल्ली का जनपद हॉल सो आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा प्लीज़ मुझे कमेंट डाउन करना आपको कौन सा जैकेट मेरा ज़्यादा अच्छा लगा सो या और गिव अवे में पार्टिसिपेट जरूर करना उसे बिल्कुल मत भूलना सो गाइज ऑन दैट नोट थैंक यू फॉर वॉचिंग थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग माई चैनल थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट विल सी यून मे नेक्स्ट वीडियो टिल देन बाय बाय